अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो यार आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूं क्योंकि आज हमारे सेटअप पर कुर्बानी का जानवर आने वाला है। और मुझे बहुत सारे भाई कहते थे कि भाई जल्दी से लेकर आए, सबके जानवर आ गए, आपका जानवर नहीं आया, प्लीज जल्दी लेकर आए। तो यार आज हमारे सेटअप पर कुर्बानी का जानवर आ जाएगा और मुझे तो बहुत ज्यादा खुशी हो रही है क्योंकि मैं भी बहुत ज्यादा वेट कर रहा था यार, जल्दी आए, हम उसकी केयर करें, खिदमत करें। और फाइनली यार आज पहुंच जाएगा। अभी वो सफर में 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर पहुंच जाएगा और मैंने सोचा कि यार जल्दी से आपको बता दूं और एक साथ जाएंगे और अपना जानवर लेकर आएंगे, अपने गोट फार्म में रखेंगे। बस यार आप दुआ कीजिएगा कि वो सही सलामत पहुंच जाए क्योंकि बस में है ना गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो मुझे थोड़ा सा दिल में खौफ सा आ रहा है कि यार उसको कुछ हो ना जाए। बस दुआ करनी है, मैं भी दुआ कर रहा हूँ कि यार वो अल्लाह करेगा कि ठीक ठीक पहुंच जाएगा। तो अभी यार मैं क्या करता हूँ कि ये जो शेड है ना ये मैं दे देता हूँ ताकि परिंदे हमारे गर्मी की वजह से डिस्टर्ब ना हो। तो यही काम मैं सबसे पहले कर लेता हूँ। तो यार अल्हम्दुलिल्लाह मैंने शेड ऊपर दे दी है और अब यहाँ पर छौंक रहेगी, हमारे परिंदे डिस्टर्ब नहीं होंगे। तो अभी हम चलते हैं और लेकर आते हैं अपना कुर्बानी का जानवर। आ जाओ यार, कितने देर हो गई है, पहुँच चुके हैं। चलो 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 भाई, तो ये ना हो के फिर किसी और के हाथ हमारे। गर्मी इतनी ज़्यादा है और वो एक बस में आया है और ये नहीं पता कि वो किस कंडीशन में आया है और उसकी क्या हालत है इस टाइम, उसको कहाँ पे रखे वो आए हैं, उसको गर्मी तो नहीं लगी होगी या उसकी तबीयत तो ख़राब नहीं होगी होगी, क्योंकि वो अंदर डिग्गी में रखे आते हैं ना तो मसला हो सकता है उसको। यार वो बस जो आप देख रहे हैं वो जा रही है, हमें बताया गया था कि इसी जो है ना बस पे है और इसका नंबर भी हमने नोट कर लिया था, तो ये बस तो वही है। अभी देखते हैं बस कहाँ पे रुकती है और हम उस बस का। यार हाँ सही सलामत हो, मुझे बहुत टेंशन हो रही है यार। हाँ यार बस एक टेंशन है ये बकरा क्योंकि अंदर डिग्गी में है तो मसला हो सकता है उसको, क्योंकि और जगह पे वो रख नहीं सकते थे तो इसी तरह आया है वो। अभी बस ये स्टॉप करेगी और वहाँ से हम जो है ना अपना बकरा ले लेंगे। तो यहाँ पर बस रुक चुकी है और हम क्या करते हैं अभी देखते हैं कि हमारा बकरा कौन सी डिग्गी में है, पीछे पीछे रखा हुआ है। चलो यार ठीक है यार, इसको गर्मी तो लग रही होगी लेकिन जाहिर है यार। हाँ ये हवा का है सिस्टम यार, हवा आती रहती है और चलती हुई बस है ना, तो इस वजह से सही है, कोई मसला नहीं हुआ इसको। वैसे भी गर्मी बहुत ज़्यादा, चाहे बंदा अंदर भी हो बाहर भी हो, बंद कर दो। यार ये हिल बहुत रहे यहाँ से और ये ओपन है रिक्शा, तो मसला ना हो जाए मैं अकेला हूँ क्योंकि तुरंत फिर बाइक पे आ रहे ना, इसको नहलाना पड़ेगा भाई, बहुत ज़्यादा गंदा हुआ है और मुझे भी इसने गंदा कर दिया है, सारे कपड़े ख़राब कर दिए मेरे इसने। आ जाओ तुरंत ऐसे रख दो भाई, सबसे पहले इसको पानी ही पिला देते हैं, बाद में नहलाएंगे इसको क्योंकि कितना सफर करके आया है तो इसको प्यास लगी होगी। मिल रहे हैं ईद मिल रहे हैं। यार अब हम अपने बकरे को ना नहला देते हैं और ये जो गंदगी है ना सारी ये उतर जाएगी, कितने इसको पकड़ो ना। भाग रहा है भाई, इसको पकड़ोगे एक जगह पर। नहीं नहीं ये खुद ब खुद ये भागता रहेगा क्योंकि ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा, देखो मैल कैसे निकल रही है, सारी मट्टी लगी हुई थी उसको, वाइट हो जाएगा जैसे इसका ओरिजिनल कलर है ना वैसे हो जाएगा। वो देखो मार रहे तुम्हें। यार हमने इसको साबुन लगा लिया। कोप कुछ नहीं हुआ, वो रस्सी से इसको बांध दिया यार बकरे ने। एक मिनट रुक जाओ, इधर से इसको इस साइड पे लेके आना है। एक मिनट मशान कुछ नहीं होता, फंस गए दोनों यार। एक मिनट निकल जाओ, जाओ भाई यार, जाओ भागो निकल जाओ। हाँ ऐसे जो आजाद हो गई। ऐसे बकरा गोल घूम के आया और ये दोनों दरमियान में थे, रस्सी से ऐसे बांध दिया उसको।
दूसरों को खोल देते हैं। जिसने बाहर आना होगा बाहर आएगा, जिसने अंदर जाना होगा, जैसे कि लकी कबूतर अंदर गया है और ये वाला भी जाना चाहता है, कुछ बाहर आएंगे कुछ अंदर जाएंगे। ये बच्चों को फीड करा रहे हैं अपने, पता नहीं कब से इंतज़ार कर रहा होगा, दरवाज़ा बंद था तो अपने खोला है, अभी बच्चों को खाना खिला रही है। चलो 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 भाई ऊपर चलो ऊपर। वो इसको कैसे पता चले इधर जाना है, हैं तो आप, हम तो फर्स्ट टाइम आए भाई, इधर आए नहीं थे हम, क्या बात है। रस्सी खोल देते हैं, छुरी कहाँ है, छुरी छुरी है हुसैन, छुरी लेकर छुरी, वो डर जाएगा बेचारा, कहेगा अभी से कुर्बान। दाना खा रहा है नीचे, ये क्या कबूतर है। सेम टू सेम यार, हमारे नेबर्स का बकरा भी ऐसे ही है, आपने देखा होगा वीडियोस में, सेम वैसे है, बस उसके सींग ब्लैक कलर के हैं, हमारे बकरे के सींग वाइट कलर के हैं, और कोई फर्क नहीं है ज्यादा। तो अभी देखेंगे, सूखे पत्ते खा रहा है क्योंकि इसको भूख लगी है, और मुझे कहा गया है कि ये सिर्फ और सिर्फ जंतर खाता है, वो पता नहीं अब यार यहाँ पर मिलता है या नहीं मिलता, कोशिश पूरी करूंगा यार कि इसका जो पसंदीदा घास है हम इसको वहीं खिलाएं, कोई और घास ना खिलाएं, ताकि ये अपना मूड बना के खाए और इसका पेट फुल मोटा सा हो जाए और देखने में ज्यादा खूबसूरत लगे। और हमारा जो मिशन है इसको मोटा करना है यार, 5 से 6 दिन के अंदर कोशिश पूरी करेंगे कि ये हेल्दी हो जाए। तो चलो यार चलते हैं, इसको गोट फार्म में बंद करते हैं। तो भाई क्या करते हैं, अब सबसे पहले जाते हैं इसके लिए घास लेके आते हैं, और जो जो चीजें खाने की होती है ना, तो भाई चलो यार लेके आए, चलते हैं। तो यार हम नीचे क्या आए भाई, ये तो शोर करने लग गया, देखिएगा अभी ये देखें, मौसम भी मुझे कुछ अच्छा लग रहा है क्योंकि बादल आने लग गए हैं, और सुनने में ये आ रहा है कि बारिश होगी 1-2 दिन तक, क्या पता आज ही हो जाए यार, ये तो सरप्राइज हो जाएगा, अगर होगी तो मजा आ जाएगा। चलो जी ये हो गया ऐसे, अभी तक ये जो जो चीजें भी खा रहा था ना दिल से नहीं खा रहा था, लेकिन यहाँ पे तो भाई टूट पड़ा है, यहाँ से पीछे लग गया, तो आपके देखो ना इसका मतलब इसको पसंद है, और भाई जाओ पानी लेके आओ इसके लिए, शाबाश, प्यास भी लगी होगी इसको, उस टाइम थोड़ा सा पिया था इसने, ज्यादा नहीं पिया था, अभी रखेंगे ना रिलैक्स हो गया, यहाँ पे छांव भी है, हवा भी चल रही है आज, तो भाई सुकून है, कोई मसले वाली बात नहीं है। ये देखें इसने 3 अंडे दिए हैं यार, ये कैसे हो सकता है, ये जो हम नई कबूतर लेके आए थे ना शिराजी के लिए, 3 अंडे दे दिए भाई एक साथ, ये ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है, 3 अंडे तो नहीं देती कबूतरी, 2 देती है भाई, तो कह रहा हूँ मैं किसी और कबूतरी का अंडा होगा, ये साथ में बैठी होगी, उसने भी अंडा दे दिया होगा, ऐसे हो ही नहीं सकता, तुमने क्या समझा, 3 अंडे दे दिए, कोई हाल नहीं, इधर आओ बकरे को पानी रखे, आ जाओ, चलो चलो, ये जो पेट है ना ये अभी अंदर है, ठीक है, देखेंगे कुछ टाइम के बाद आएंगे, अगर इसका पेट फुल हुआ ना, हाँ, ये चीज खत्म हो जाती है, यार वाकई में इसको ये मजा आ रहा है खाने में, और इसका अब पेट फुल हो गया है, अभी जो हमारा मकसद है इसको खिलाने का, इसकी ये वाली जो होती है ना पेट, इसको पूरा करना फुल करना है, तो अभी इसको खाने दो, सुकून से थोड़ी देर बाद आएंगे, ठीक है, पानी दो। यार मैं तकरीबन 1 घंटे के बाद आया हूँ वापस बकरे को चेक करने के लिए, और देखिए इसका क्या हशर किया हुआ है इसने गोट फार्म का, अभी इसको 1 घंटा ही हुआ है, देखिए सारा बिखेरा कर दिया इसने और गंद भी कर दिया है, और देखिए ऐसे उदास लग रहा है मुझे यार, ये इसको क्या हुआ यार, देखिए यार मुझे लग रहा है इसको गर्मी लग रही है, ये देखें कैसे कर रहा है ये, ओहो हो। तो भाई मौसम बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है, हवा चलना भी बंद हो गई है, और पसीने की वजह से जो है ना हालत ख़राब हो रही है मेरी भी,
और बकरा भी बेचारा देखें थोड़ा डिस्टर्ब लग रहा है मुझे यहाँ पर, तो मैं क्या करता हूँ, या तो इसको हम जो है ना नीचे जाके नहलाते हैं या इधर ही नहला देते हैं, मसला नहीं है। गर्मी लग रही है यार इसको, गर्मी की वजह से हाँप रहा है ये, तो क्या करें? नीचे लेके चलो। नीचे? हाँ यहाँ पर नहीं बंद करते। अच्छा शाम को ले आएंगे इधर, देखें कैसे यहाँ पर है। हाँ उसका मुंह खुला हुआ है भाई। नीचे चलो, वो दरख्त भी है वहाँ पे, पानी छानी रखेंगे, नहला भी देते हैं इसको। ये भाई गर्मी है, गोट फार्म में इसको शाम को रखेंगे, दिन में जो है ना ये दरख्त के नीचे साये के अंदर खुली फिजा में और जो है ना नहलाते रहेंगे इसको, फिर सही रहेगा। इसको बांधो और ले चलो। यार एक डर होता है बाहर बांधने में, चोरी का खतरा होता है, क्योंकि हर वक्त बंदा उसके साथ बैठ नहीं सकता, तो यहाँ से कोई निकाल के ले ना जाए। हाँ घास लेकर आओ जो छत पर है हमारा। ठीक है तो यार यहाँ से मैं घास उठाने से पहले काम कर लेता हूँ, हमारे कुछ कबूतर खुले हुए हैं, मैं इनको बंद कर दूँ। भाई बिल्ली के डर से हमें ये काम करना पड़ रहा है, हमेशा यही करना पड़ता है हमें। तो जी चलो चलो। ये क्या यार निकाल दिया इसने, मोटे नाक वाले ने। नीचे आओ। शाबाश यार, देखिए कितने मोटे मोटे बादल आ रहे हैं, जल्दी से बारिश आए। यार गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही, बहुत ज़्यादा गर्मी है, पसीना देखे यार नहीं हो रहा बर्दाश्त, ऊपर आने का भाई दिल ही नहीं करता इतनी गर्मी में कैसे आए। और बेचारे कबूतर देखें, हमने देखें पूरा सिस्टम तो किया हुआ है इनके लिए, लेकिन फिर भी गर्मी को रोक नहीं सकते यार, हम जितना कोशिश करें गर्मी लगती है भाई। जब तक एसी ना हो ना तब तक कोई फ़ायदा नहीं है, जितना जुगाड़ कर ले बंदा, यहाँ पे एसी तो लग नहीं सकता। ये थोड़ा सा उठा लेते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसने खा भी लिया है, अभी ये है कि इसका टाइम पास होता रहेगा, इससे काफ़ी है इसको। चले तो नहला रहा है यार, तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो यार, तो आप कसम से नहा ये रहे और सुकून मुझे मिल रहा है, यकीन करें ठंडे ठंडे पानी से नहला रहा था ना वो, अब उसकी जो सही बात तबीयत सब बिल्कुल ठीक हो गई है, बिल्कुल गर्मी खत्म हो गई होगी अब इसकी, हवा भी अच्छी चल रही है और ये साथ में नहा भी रहा है, तो भाई मजे हो गए इसके। तो घास लगा लो यहाँ पर ऐसे, मुझे समझ आ गया ना करना क्या है। हो गया। ये इतना ऊपर क्या वो जराफा है पागल, इधर दो सिंपल। तो खैर यार ये थी आज की हमारी वीडियो, दुआ कीजिएगा कि ये हमारा बकरा यहाँ पर खुश रहे, हम अपनी तरफ से यार पूरी कोशिश करेंगे इसको खुश रखने की, इसकी खूब केयर करेंगे। और देखें इसका पेट अब भर रहा है, इसकी जो पहले खाली खाली पेट था ना अब इसका काफ़ी बेहतर हो रहा है, इसका मतलब ये है कि ये खुश होकर खाना खा रहा है। तो मिलेंगे इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक के साथ, कल एक नई वीडियो के साथ, अभी के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।